हेलो गाइस, नमस्कार और नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और नव बुद्धायो। दिस इज सेतु एंड वेलकम टू न्यू रिएक्शन वीडियो। तो गाइस, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो टेक लव फ्रॉम बांग्लादेश ऑल द टाइम। एंड कैमन आछो? आई होप यू आर वेल एंड आई एम सो फाइन। और होच्छे बुझते पारछो थंबनेल टाइटल देखे चले आसछि खान सरेर आरेकटा नतून भिडियो निया, नतून ना एकटू ओल्ड भिडियो निया। तो टाइटल देखे तो बुझते पारतेछो, और टाइटेले हिंदीटा बाद दिए आमी बांगला बोली, सेटा होच्छे পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে একটা রাষ্ট্র হলো, এটা একটা এক্সপ্লানেশন আজকে খান স্যারের মাধ্যমে দেখতে যাচ্ছি। তো গাইজ, খান স্যারের সম্পর্কে কি বলবো, মানে হি সুপার ট্যালেন্টেড, মানে এত নলেজ আছে তার, এত জ্ঞান। ভাই, আমি দিস দ্য সেকেন্ড টাইম আই এম রিয়্যাক্টিং অন অফিস ভিডিও, ঠিক আছে, সেকেন্ড টাইম। তো ফার্স্ট টাইম দিছি গতকাল, তোমরা যদি চাও সেটা দেখতে পারো। তো অনেক এক্সাইটেড, আর কোনো কথা হবে না। ও, তার আগে একটা কথা বলি, ইফ ইউ নিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। আমি আগেই বলেছি, যারা হচ্ছে আমার ব্লগ চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবে বা সেখানে বলবে যে এখান থেকে ওখানে গেছে, তো তাদের নাম আমি ভিডিওতে মেনশন করব, তাই আমিও আজকে মেনশন করতেছি, ঠিক আছে। তো এই মুহূর্তে আমি যাকে দেখেছি বা যে কমেন্ট করেছে, দাদা আমি সত্যি তোমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছি, সে হচ্ছে রাজন ভাই ওপি, মানে এলিন রাজন ওপি তার নাম। তো ভাই, থ্যাংক ইউ, লাভ ইউ বস, অফুরন্ত ভালোবাসা, তুমি আমাকে সাপোর্ট করেছো। সো গাইজ, আর কোনো কথা হবে না, জাস্ট ভিডিওতে চলে যাবো। সো সুপার এক্সাইটেড। অ্যান্ড গাইজ, অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট, ঠিক আছে। সো লেটস গো, ডোন্ট স্কিপ স্যার, হ্যাঁ, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। পশ্চিমবঙ্গাল ধ্যান সে সমঝি আপ লোগ, বড়ি বড়ি ভাইয়া, পশ্চিমবঙ্গাল অজীব হয়ে যাতা হ্যায়, আম আজ তক কোই এসা চুনাও নাই দেখে জব মার ধার নাই হুয়া হো, উস হিসাব সে তো বিহারে ইউপি কবি কবি লাগতা হ্যায়, ঠিক হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল পশ্চিম মে হাইয়ে নাই হ্যায়, পূরব মে হ্যায়। ইজ ইট ক্লাস? পশ্চিম বঙ্গাল পশ্চিম মে হাইয়ে নাই হ্যায়, পূরব মে হ্যায়। বাংলাদেশ সে হামকো ক্যা মতলব হ্যায়? देखो भाई, ये हिंदुस्तान रफली बना देते हैं, ऊपर कश्मीर छूट गया। मैप, यहाँ पे बंगाल था पहले, यहाँ क्या था? बंगाल। इस बंगाल के लोग जो थे बहुत ही इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वहां पर सुभाष चंद्र बोस हो, भले उनका जन्म कटक में हुआ था लेकिन ज्यादा चीजें उनका बंगाल में हुई। चाहे उधर देखेंगे ईश्वर चंद विद्यासागर हो, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहाँ हुए हैं? बंगाल में हुए। एग्जैक्टली। और बंगाल एक वक्त ऐसा आ गया था अंग्रेजों के सामने कि वो समझ गए थे अंग्रेज कि आजादी की बिगुल यहीं से बजने वाली है। इवन कि मंगल पांडे को फांसी भी दिया गया था बंगाल के बैरकपुर छावनी में, जिससे कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो अंग्रेजों को लग गया था कि हमारी लंका में आग लगाएंगे सब ये बंगाल वाले, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। राइट। अंग्रेजों ने लंदन में एक रिसर्च के लिए 200 लोगों की टीम बैठाई। अच्छा, बंगाल किस तरह से यहाँ के लोगों को बर्बाद किया जाए। तो उसने कहा कि देखिए, भारत के लोग पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन दूर तक सोचते नहीं हैं, ये धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं। अच्छा। जबकि धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। ओके। धर्म आपका एक संविधान है, जब संविधान नहीं था तो ये धर्म था। आप जिस परिवार में पैदा होंगे आप उसी धर्म को फॉलो करेंगे, वो धर्म अच्छा या गलत नहीं होता है। right. होता ये है कि आप उस परिवार में जन्म लिए। अच्छा। लेकिन इतना कौन सोचता है हमारे यहाँ जिस धर्म में पैदा हो गए हम उसके लिए, आप समझ जाइए तो हनुमान हो गए, हम अपन बचाएंगे, धर्म को बचाने निकल जाता है। तो ये 200 लोगों की मेंबर की टीम इंग्लैंड में रिपोर्ट लगा दी कि भारतीयों को अगर उलझाना है तो इन्हें आराम से धर्म की लड़ाई में आप उलझा सकते हैं। अच्छा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना ये हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, ज्वालामुखी है सभी, सब किसी को उजाड़ देगा सब। लेकिन यदि इनको धर्म के रास्ते पे ले जाया जाए तो ये ऐसा जंग है जो इस लोहे जैसे विशाल चीजों को खदड़ के रख देगा। अच्छा। तो अंग्रेजों ने यहाँ धर्म जैसे चीज को बो दिया, और इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पकड़ा हिंदुओं को कि तुम करो, बट यहाँ समस्या ये आ गई कि हिंदू लोगों में शिक्षा थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा क्या, मुसलमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग, शिक्षा के मैटर 100 साल, तनी मनी की बात नहीं कर। तो उसने देखा कि भाई हिंदू को अगर हम आगे करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सक्सेस, मुसलमान को आगे करने लायक, क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा सर।
ये नहीं देखेगा सब कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं। जहां कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा, अल्लाहू अकबर, लुंगी में आग लग जाएगा तोरे। भाषा में तो इनमें कुछ नहीं, भाषा ऐसा करेगा लोग जिसका कोई नहीं। हैदराबाद वाला एको कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम दिखा देंगे तुम। हाँ कि नहीं, ये सब फालतू फालतू बात थी। इसका तबीयत खराब हो गया क्या? तबीयत खराब हो गया, शरीर खराब, तबीयत खराब, दैट मींस शरीर खराब। तो अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया? मुसलमानों को। इसमें उसने मुसलमानों के लिए चालू किया मुस्लिम लीग। क्या चालू किया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि देखो मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। और इसीलिए उसने बंगाल में क्या चालू किया? मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया गया 1906। उससे पहले 1905 में बंगाल का क्या करा दिया गया? विभाजन करा दिया। और बंगाल को कितनी भाग में बांट दिया? दो भाग में। कितने भाग में? दो भाग में बांट दिया। यहाँ पर दो भाग में एक और कर दिया। आप बताइए ये तो पूरब है, ये कौन सा है? पूरब है। तुम लोग इधर ध्यान देना। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ये वाला कौन सा है? पूरब। ये वाला पश्चिम। तो कितने बंगाल बना दिए? दो, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। सर अनुराग ठाकुर का भाषा दिल्ली दंगा में क्या था? अरे यार छोड़, ये कौन है पूछ रहे? ओह इज इट लाइव क्लास? कौन है? Okay. मोहन अंसारी कौन? अरे भाई अंसारी साहब एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से, हम सारे लोगों की बात बताते हैं। सारे लोग को हम कहते हैं दुनिया का कोई भी झगड़ा 5 मिनट में हम 9 सॉल्व कर दे तब कहना, बसरते उस व्यक्ति को ये मत बोलो कि सामने वाले में क्या गलती है। आप जब दो लोग झगड़ा करने बैठे ना, बस इतना कहो कि देख भैया हम अपनी पूरी गलती गिनवा रहे हैं, तुम अपनी कोई पूरी गलती गिनवाओ, जिसकी ज्यादा गलती होगी वो समझेंगे, हमरे में तुम इंटरफेयर मत करना कहीं पे भी। देखो यहाँ बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, सास ससुर में, सास बहू में हो जाता है, सारा झगड़ा में सब ससुर, तुम ऐसा किया, तोरा गलती था, तुम यहाँ क्यों किया, तुम स्टार्ट किया। अरे चट्टा कहीं का छोड़, तुम बस इसको रिवर्स कर, हमसे गलती हो गई, जब तुम गुस्सा में बोले तो हमें चुप हो जाना चाहिए था, हम भी उसी समय गुस्सा में बोले, वो भी कहेगा कि नहीं हमको इतना तेज गुस्सा नहीं डांटना चाहिए, हम गलती कर, छोटा कहीं का तू अपन गिनना, सब झगड़े खत्म हो जाएगा, दूसरे का गिनेगा, तुम ऐसा मारे 20 जूता होश में आ जाएगा सर। राइट, यू आर राइट सर। सब इसको लगता है, सबको ये लगता है कि नहीं हम ही को दबाया जा रहा है। वाह रे भैया वाह, हम ही को दबाया जा रहा है, कोई किसी को नहीं दबाता है, हम लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है। तो इधर इसने क्या कर दिया? पश्चिम बंगाल। इधर क्या कर दिया? पूर्व बंगाल, पूर्वी साइड में, पूर्वी बंगाल में इसने रख दिया मुस्लिम को ज्यादा। अंग्रेजों ने किसको ज्यादा रख दिया? मुस्लिम। अच्छा। और पश्चिम साइड में किसको ज्यादा रख दिया? हिंदू। हिंदू को ज्यादा रख दिया। किसको रखा? हिंदू को ज्यादा रखा। अब हो गया बवाल, यहाँ पे कौन है ज्यादा? मुस्लिम। अब यहाँ पे एक भाव हिंदू कम है। अब यहाँ माइनॉरिटी की एक खराबी ये है कि उसके साथ कुछ भी होगा ना तो उसको लगेगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए दबाया जा रहा है, ये खराबी हो जाती है। राइट। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन थे? मुस्लिम। मुस्लिम। अब यहाँ के मुस्लिम को ये लगने लगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमको दबाया जा रहा है। अब वहाँ पे हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी संख्या कम है हमको दबाया जाने लगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि इसमें आग का घी, आग में घी का काम कौन करेगा पता है? जो माइनॉरिटी है। एक काम करो, यहाँ पे जितने हिंदू लोग हैं यहाँ पे क्या है? हिंदू। हिंदुओं की संख्या क्या है? कम है। कम है। हिंदुओं को थोड़ा सा भड़काओ ताकि आवाज उठा सके। Reverse. और अगर इनके खिलाफ अगर कुछ होगा तो ये मुस्लिम इनको थूर देंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया यहाँ पर? अंग्रेजों ने क्या किया? मुसलमान में जो मस्जिद है उसमें सुअर काट के फेंक दिया। क्या काट के फेंक दिया? सुअर काट के फेंक दिया। यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा। आरोप लगा किस पर? हिंदुओं पर। राइट। फुरा कौन गया? बस हिंदू। फुरवाया कौन? अंग्रेज। लेकिन इनको ये मुसलमान लोग फूरने से पहले ये नहीं समझे कि चार बार बुला के बैठक कर ले। फूरने में क्या जाता है? आपको मने था थूरने का? थूर लेते, एक दिन बाद थूरते, एक दिन बुला के बैठक कर देते कि भैया तुमने ऐसा किया है, क्या कोई थर्ड पार्टी है? नहीं, क्योंकि जब धर्म का चश्मा पहनिएगा ना तो कुछ नहीं दिखता। थूर दिया यहाँ किसको? हिंदुओं को। संख्या कम थी, क्या कर गए? थुरा गए लोग। अब अंग्रेजों ने कहा बस एक काम करो, अब इधर बारी है, इधर संख्या किसकी कम है? मुसलमानों। संख्या ज्यादा? हिंदू। हिंदू। यहाँ थुराया कौन है? हिंदू। ऑलरेडी हिंदू यहाँ पे भड़के हुए हैं, ठीक है। यहाँ कौन है? मुस्लिमों की संख्या कम।
हिंदू गाय को पवित्र, सबसे पवित्र, हर एक भगवान उसमें वास करते। गाय का मीट काट के कहाँ फेंक दिया? मंदिर में। बस इनको तो पहले से आग लगल था, ये मियावे कैले हो गई पकड़ के किसको दूर दिया? मुसलमान। बस लंदन से जो रिपोर्ट बन के आई थी आराम से चलने लगी यहाँ। और बंगाल विभाजन, जिस बंगाल से अंग्रेजों को ये लगता था कि यहाँ से आजादी का बिगुल बजेगा, यहाँ से भारत माँ को आजाद कराया जाएगा, ये अंग्रेजों ने ऐसा जहर बोके गए सब कि भारत का सबसे बड़ा दंगा नोआखली दंगा बंगाल में हो गया। नोआखली नोआखली तो बांग्लादेश है। अंग्रेज चले गए हैं, भागो इससे पहले पूछे भागे रह गया, उन्हें छोड़ के गए जो अभी संसद में निवास कर रहे हैं। संजय आज भी वो यही करते हैं, आज भी वो लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। यहाँ पे बंगाल जो विभाजन किया गया था वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को क्या किया गया था, समाप्त करने के लिए किया गया था। इस वजह से इधर वाला क्या कहलाया, पूर्वी बंगाल, जो आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर क्या बन गया, बांग्लादेश। लेकिन ये वाला जो था पश्चिम बंगाल वो तो जस का तस रह गया, क्या हो गया, जस का तस, और वही क्या कहला जाता है, पश्चिम बंगाल। ये वाला बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल, ये वाला पूर्वी बंगाल। समझ गए कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपकी संख्या कम है, किसी गांव में आपकी संख्या कम है या आप कमजोर हैं, तो याद रखिएगा शक्तिशाली व्यक्ति हर हाल में आपको उकसाएगा। आप 10 लात सह के मत चढ़िएगा, वरना ऐसा लात खाइएगा कि इतिहास में चल जाइएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल म्यांमार में देखने को मिला था। ये जगह कौन सा है, म्यांमार। यहाँ दो तन रोहिंग्या मुस्लिम थे सब यहाँ, ठीक है। यहाँ की आर्मी थी म्यांमार की, कितनी खच्चर आर्मी है आपको पता है, जो खुद की प्रधानमंत्री को जेल भेज दी। अभी आंग सांग सू की देख, इन गधों को पता था नहीं, पढ़ल रहेगा सब तब तो पता चलेगा, 5 रुपया फीस दे के मदरसा में पढ़ेगा सब क्या होगा। आर्मी ने यहाँ 2 आदमी का इनकाउंटर कर दिया, किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है। कुछ ना कुछ किया होगा, हाँ ये बात अलग है कि थोड़ी सी गलती पे सजा ज्यादा होगी, लेकिन इन लोग ना बर्दाश्त कैसे होगा, हम है सब कुछ, यहाँ उठा के आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया, बदले में आई आर्मी मारी 2 लाख को काट के खत्म कर। वो 2 आदमी का जो इनकाउंटर हुआ था अगर बर्दाश्त कर लेते 8 या 2.5 लाख लोग बच जाते, कौन समझाएगा इन गधों को। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इतिहास से आप कुछ सीखिए। आप भी कभी गाँव में होंगे ना तो आपके गाँव का मुखिया बड़ा बड़ा आदमी आपको बहुत दबाने की कोशिश करेगा। राइट। आप तब तक बर्दाश्त कर लीजिएगा जब तक आपका है अपने जॉब वॉब नहीं ले लेते हैं, सशक्त नहीं हो जाते, फिर आपसे कोई नहीं लड़ने वाला है। यही हुआ यहाँ पे, यहाँ तो बंगाल का ये पूर्वी पूरब में होते हुए पश्चिम में क्यों चला गया, क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन किसने किया था, कर्जन। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्वान ने लॉर्ड कर्जन को कहा था कि ये औरंगजेब है। क्या है, औरंगजेब है, क्या है, औरंगजेब। कर्जन की तुलना किससे की गई थी, औरंगजेब से की गई थी। औरंगजेब भी बड़ी सब हिंदू मुस्लिम करते रहा था, भी किया। तो ये क्या पूरब में है कि पश्चिम में, पूरब में है, नाम क्या है, पश्चिम में, किसके तुलना में, पूर्वी बंगाल के तुलना में, ये क्या है, पश्चिम बंगाल जो है ये इतना बेहतरीन जगह पर है कि इसको अगर आप एक देश के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उतना इस राज्य में अकेले है। किसी भी देश को समुद्री सीमा की जरूरत होती है इसके पास है, किसी भी देश को कृषि भूमि की अच्छी जरूरत होती है, चावल की खेती में सबसे ज्यादा है, किसी भी देश को शिक्षा की जरूरत होती है, बंगाल शिक्षा में कभी पीछे नहीं रहा, किसी भी जगह को टूरिस्ट प्लेस को, किसी देश में अगर टूरिस्ट प्लेस है घूमने वाला जगह तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी टूरिस्ट प्लेस भी 1 नंबर है। किसी भी जगह पर जो भी जगह रहते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री रहता है तो अच्छा होता है। इसके पास 2-2, 3-3 इंटरनेशनल बाउंड्री, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल, हुबली, कलकत्ता, मालदा, यहाँ पे दुर्गापुर, चितरंजन, रानीगंज, ये सब चीजें यहाँ इंडस्ट्रीज भरी हुई है। किसी भी देश में खनिज संपदा अगर रहेगी तो खनिज संपदा से वो देश आगे बढ़ जाता है। तो खनिज संपदा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, रानीगंज इसलिए है, दुर्गापुर, अच्छा दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया कोयला के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। पश्चिम बंगाल बहुत ही हर तरह से क्या है, वर्सेटाइल है, इसमें कोई कमी नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे बिहार में समुद्र खत्म, बाढ़ वगैरह की समस्या नया से जो बाढ़ और कुछ नहीं आता है, दामोदर में पहले आता था, क्या अब आता है, नहीं आता, अब कभी भी बाढ़ वगैरह नहीं आते। ये हो गया पश्चिम बंगाल। तो गाइस खान सर वीडियोटा खूब भालो लागलो,
মানে অনেক ইনফরমেশন থাকে না যেগুলো হয় জানা যায় না, ঠিক আছে? তো আমি যে কত কিছু শিখতেছি, কত কিছু জানতেছি খানসারের ভিডিওর মাধ্যমে, ভাই ইজ এ লিজেন্ড ম্যান, মানে ট্যালেন্টেড একজন পার্সন, ঠিক আছে? অ্যান্ড আ বিগ ফ্যান অ্যান্ড আ বিগ সাপোর্টার ফ্রম বাংলাদেশ খানসার, সিরিয়াসলি মানে সুপার ছিল। এই যে একটা বিভাজনের কথা আমাকে মানে আমাদের সবাইকেই বোঝালো তার ভিডিওতে, এটা খুব ভালো লাগলো। পূর্ব পশ্চিম মানে খুব মানে কিছু কিছু জানি তো, মানে সব মিলে খুব ভালো লাগছে। তো গাইজ ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেছে, তো এতক্ষণ দেখেছো কে আছো প্লিজ কমেন্ট করে জানাও, আর তাকে আমার তরফ থেকে লাভ ইউ বস। তো গাইজ আজ আর নয়, ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক আছে, সবাই যাও সাজেস্ট করো, আর নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ব্লগ চ্যানেলও সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর ওখানে যে কমেন্ট করো যে তুমি এখান থেকে গেছো, আর নেক্সট ভিডিওকে নেক্সট ভিডিওতে তোমার নামে মেনশন করবো এই চ্যানেলে, এই যে কোনো এক রিয়াকশন ভিডিওতে। তো গাইজ এখন যাই নাকি, সো নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড নববুদ্ধায়ো, দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিও। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন, বি সেফ, বি কেয়ারফুল।